जय हिंद दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 दोस्तों सीबीटी एग्ज़ाम का हॉल टिकट जारी कर दिया गया है, यानी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी आपको पीईटी और पीएचटी पास किए थे उनका दोस्तों एडमिट कार्ड आ गया है। तो कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। यह भर्ती अगस्त में निकाली गई थी आपको 3578 पोस्ट का, जिसका सीबीटी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आ चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं ऑफिशियल साइट है और यहां पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 सीबीटी एग्ज़ाम हेतु हॉल टिकट जारी किया गया है। पूरी जानकारी दोस्तों वीडियो में देखने को मिलेगी, सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि यहां पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है बिल्कुल सही और सटीक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी जानकारी को जानते हैं दोस्तों। डाउनलोड करने के लिए इसे आपको ऑफिशियल लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड हॉल टिकट के ऊपर एक लिंक है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको अप्लीकेशन आईडी यानी अप्लीकेशन नंबर यहां पर डालना है, और जो भी आपका जन्म तिथि है यानी आपको डेट ऑफ बर्थ है डालकर उसके बाद यहां पर यह कैप्चा डालकर सबमिट कीजिएगा। तो आपके सामने फाइनली आपका हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर सीबीटी एग्ज़ाम का आ जाएगा। दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वह भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस डेट में होने वाला है। अगर कोई भी दिक्कत है एडमिट कार्ड में तो यहाँ पर देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर और हेल्पलाइन आपको ईमेल भी जारी किया गया है, इस पर आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं कोई भी दोस्तों दिक्कत आए तो, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ चुका है, जो कि दोस्तों आप सभी का एग्ज़ाम 13 से 14 जून 2024 के बीच होने वाला है। दोस्तों विशेष जानकारी के लिए हमें भी कमेंट कर सकते हैं, आपको हेल्प सपोर्ट किया जाएगा। कोई भी दिक्कत एडमिट कार्ड में हो या नाम में हो तो आपको क्या करना है कि जाकर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वहां पर शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।